हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम करने वाले हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं अभी तक, जो लास्ट लेक्चर में सीखी हैं उनको एक बारी हम रिवाइज करते हैं। पहले तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है बच्चों कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, वो चीज हमने सीखी थी। उसके बाद भिन्न कितने प्रकार की होती हैं या फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं ये हमने सीखा था। कितने टाइप के होते हैं, किसी को याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो बताइए कितने टाइप के होते हैं फ्रैक्शंस। देखिए फ्रैक्शंस में क्या क्या आता है। एक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम उचित भिन्न बोलते हैं, और फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में बच्चों न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से छोटा। एक चीज याद रखनी है, दूसरी चीज अपने आप याद रह जाएगी आपको। अगर आपको ये पता है कि भी प्रॉपर फ्रैक्शन जो भिन्न उचित होती है उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर यानी अंश रहता है छोटा, तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है विषम भिन्न है उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो ये चीज सीखी थी हमने। फिर हमने सीखी थी मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, होता है कि आप क्या करते हो, एक चीज तो लेते हो होल नंबर पूरा, जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कोई एक होल नंबर लेते हो, और उसके साथ लेते हो आप फ्रैक्शन। दोनों चीजों को एक साथ लिखा जाए तो बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिक्स है। तो इसी तरह तीन टाइप की फ्रैक्शंस हैं जो हमने सीखी हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हम सीखेंगे कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम बदल सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको बदल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से आप इस सेशन को देखें। और साथ में ही मैं बोलना चाहूंगा, किसी को कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ लें अपना डाउट, अभी स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लें इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों आपका चैप्टर भिन्न है, इसी में हम सबसे पहले अभी सीखने वाले हैं कि जो आपको अगर कोई उचित भिन्न दी हो, अनुचित विषम भिन्न दी हो, तो उसको हम मिश्रित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर मिश्रित भिन्न आपको गिवन है तो उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों का पहले आपको ये तो पता ही है कि भाई ये होती क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गई विषम भिन्न। अब क्या करेंगे, जैसे अगर आपके पास कोई विषम भिन्न है 17/4, इसको हमें बदलना है मिश्रित भिन्न में। क्या बदलना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आप, देखिए जो न्यूमरेटर है जो अंश है, ठीक है, न्यूमरेटर को आप डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से हर से, ठीक है। क्या करेंगे आप, जो हर है उससे अंश को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। अब भाग करते वक्त कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, ये है 17, ये है 4। तो 4 को अगर 4 से 17 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 होता है, तो यहाँ पे हम 4 चौके 16 आ जाएगा और एक यहाँ पे शेष बच जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि रिमाइंडर आ गया, आगे ये नहीं होगा, अगर करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा आंसर, इसीलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे जहां पे हमारा शेष आ जाए और भाग पूरा हो जाए। अब देखिए क्या करते हैं हम, जो ये है आपका जो आंसर आया है, क्वेश्चन आया है, तो उसको हम लिखते हैं एज ए होल, सबसे पहले लिखते हैं जो आपका आंसर आया है, ठीक है, जो क्वेश्चन आया है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे। जो होल नंबर होता है वो होता है आपका भागफल, या फिर आप बोल सकते हैं यहां से आप शुरू करेंगे, ये 1 हो गया, फिर उसके बाद आप लिखेंगे जो शेषफल है उसको ऊपर लिखेंगे, कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे,
डिवाइजर को लिखेंगे बच्चों, ये चार आ गया। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी पोजीशन कौन सी है, कौन सा कहां पे आएगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है। क्या है? डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर आपका कभी नहीं बदलेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर, यहां पे हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से भाग किया ना, तो डिनोमिनेटर कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा यहीं पे आएगा। कभी भी देख लीजिए, किसी भी केस में देख लीजिए, तो मतलब एक चीज तो तय होगी कि डिनोमिनेटर तो यहां पे आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पे आएगा आपका रिमाइंडर या शेषफल हो गया, और यहां पे आएगा आपका क्वोशंट, ठीक है, जो आपका आंसर होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं, दिखाते हैं। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, एक एग्जांपल और करेंगे, आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए, फिर से मैं बता रहा हूं कि इसको लिखते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं, कि भाई हमने इसको डिवाइड तो कर दिया, ठीक है, जो विषम भिन्न है उसको हमने क्या किया, अंश को हर से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे, तो वो चीज ध्यान रखना, मैंने फिर से बता रहा हूं आपको कि डिनोमिनेटर जो है या फिर हर जो है वो उसी जगह आएगा, हर कभी बदलता नहीं। यहाँ पे हर चार है तो चार ही रहेगा, मिश्रित भिन्न में भी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है आपका, जो भागफल है, वो एज ए होल आएगा, ठीक है, होल नंबर आएगा, पूर्ण संख्या, मतलब वो अलग से, जो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एक तो होल नंबर होता है और एक होता है फ्रैक्शन, दोनों का मिक्स होता है। तो होल नंबर में हम लिखेंगे किसको, भागफल को, और जो शेषफल है वो आएगा अंश। इतना आपको याद रखना है, बस ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब एक एग्जाम्पल और यहाँ पे हम करके देखेंगे। अगर मैं आपको बोलूं 11 बटे 3 है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप फिर से क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, तो 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 12 तो 11 से बड़ा हो रहा है, इसलिए 3 × 9 करेंगे और शेष बच जाएगा 2। मैंने क्या बोला था कि नीचे हमेशा क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे है, यहीं से उठा के आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वो ऊपर आ जाएगा अंश में, और बाकी जो आपका भागफल होगा वो आ जाएगा होल। बस सिंपल है, कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं आप। ये तो आपने सीखा है कि भाई जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। अब हम करने वाले हैं कि जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हम करते हैं, अब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, ठीक है, मिश्रित भिन्न आपको दी हुई है, मिश्रित भिन्न आपको दी होगी और उनको आपको विषम भिन्नों में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न आपको क्या दी होगी, वही करते हैं जो अभी हमने क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं को हम करते हैं। तो मिश्रित भिन्न 17/4 की क्या आई थी, 4 सही, 1/4 यही आई थी। तो हम इसको वापस से बदलेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे बदल सकते हैं ये चीज आप अभी सीखेंगे यहाँ पे। तो देखिए किस फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, ये तो आपका डिविडेंड हो गया, भागफल हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये हो गया भागफल यानी क्वोशंट, ये क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, जो इसको मैं डिनोमिनेटर ही बोलूंगा क्योंकि जो डिनोमिनेटर है आपका वही आता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। आप या फिर इसको बोल सकते हैं डिवाइजर भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से होते हैं आपके, यहाँ पे ये डिवाइजर आ गया, ये क्वोशंट आ गया, और नीचे रिमाइंडर आ गया, ऐसे ही आते थे, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये चीज आप ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर मैंने बोला कभी चेंज नहीं होता, तो मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में करेंगे तब भी चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर लिख देते हैं पहले हम डी। अब
जो अंश है उसकी बारी है। अंश में हम क्या करते हैं, पहले तो जो आपका d और q है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें जो रिमाइंडर है वो ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बस इतना सा काम करना है। ये चीज समझ में आई? अब देखिए कैसे हम यहां पे करेंगे। डिनोमिनेटर 4 है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। कलर में चेंज कर देता हूं पेन का। डिनोमिनेटर 4 है लिख देते हैं। अब देखिए 4 क्वोशेंट है और 4 ही डिवाइजर है आपका, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें रिमाइंडर आप जोड़ देंगे, ठीक है। जो डिवाइजर है उसको आप क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें आप रिमाइंडर यानी शेषफल जोड़ देंगे और इसको हल करके आप लिख देंगे क्या आंसर आएगा। देखिए आपका चार इंटू चार 16 + 1/4, 16 + 1 आ गया 17/4। तो 17/4 ही तो था, हमने 17/4 को ही तो मिक्स फ्रैक्शन में किया था, अब हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस करेंगे, ये हमने यहाँ पे एग्जांपल किया है ताकि आपको कुछ कुछ समझ में आ जाए कि इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, बदलते कैसे हैं। प्रॉपर इस पे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आप यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। एक एग्जांपल और करेंगे हम ताकि कोई आपको डाउट ना रहे इसमें, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई डाउट है बच्चों तो पूछ लेना एकदम। आप एक क्वेश्चन और होगा, तरीका आपको पता लग गया है 5/3/7, ये है, इसको आपको बदलना है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 7 को और 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 5 और जो इनका आप मल्टीप्लीकेशन आया है उसमें आप 3 जोड़ देंगे, यही तो करते आए हैं। और नीचे क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर तो कभी चेंज होता ही नहीं, तो डिनोमिनेटर आपका वही रहेगा, हर सेम रहेगा। इसको सॉल्व करके लिख देंगे हम 7 × 5 = 35 + 3/7, यह आ जाएगा 35 + 3 हो गया 38/7। इस तरह से आप इनको कन्वर्ट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लें। छोटा होता है डिनोमिनेटर, बड़ा होता है, देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो सभी का न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा मिलेगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि जिसके अंश और हर का योग 10 हो, आप इस प्रकार कितनी भिन्न लिख सकते हैं। तो कुल भिन्न हम लिख सकते हैं, देखिए अंश और हर इनका कॉम्बिनेशन तो सिर्फ ये हो सकता है। अब मुझे बताइए कि उचित भिन्न कौन सी होगी जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, देखिए 1/9 इससे लिख सकते हैं हम, क्या 9/1 लिख सकते हैं हम, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये उचित भिन्न नहीं होगी। 9/1 उचित भिन्न तो नहीं होगी, क्योंकि उचित भिन्न में तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। इसी तरह हम 2 और 8 को कैसे लिखेंगे, हम 2/8 लिख सकते हैं इसको। अगर 8/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उचित भिन्न नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उचित भिन्न में न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, यहाँ पे तो बड़ा है। इसी तरह देखिए 3/7 4/6 है ना, ये क्या होंगी आपकी उचित भिन्न होंगी, ये फिर से उचित भिन्न नहीं होगी, 5/5 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमें छोटा चाहिए उचित भिन्न करने के लिए, आप समझ रहे हैं। इसी तरह आप इसमें कौन सी भिन्न लिख सकते हैं, फिर देखिए प्रॉपरली इसको मैं अगर लिखूं तो एक 1/9 हो गया, दूसरा कौन सा हो गया 2/8, तीसरा हो गया 3/7 और चौथा हो गया 4/6। तो ये है जो आप उचित भिन्न लिख सकते हैं। इसी तरह जिसका हर उसके अंश से 4 अधिक है, आपको ऐसी उचित भिन्न लिखनी है जिसका हर उसके अंश से 4 अधिक है, तो ऐसे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, हर 4 अधिक होना चाहिए अंश से, ठीक है। तो जैसे मैं 5 - 1 करता हूँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, तो हर कितना हो गया 5 हो गया, अंश हो गया 1, तो 1 से 4 अधिक है 5, कोई भी लिख सकते हैं आप। जैसे अगर मैं 9 - 5 करूं, ये भी तो 4 आएगा,
तो हर हो गया 9, अंश हो गया 5, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है। अब बच्चों हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक देखें और फिर मुझे बताएंगे। एक भिन्न दी हुई है, इसे देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि यह भिन्न एक से छोटी है, एक के बराबर है, कैसे बताएंगे? ये क्वेश्चन है, इसमें आप बताइए मुझे कि एक भिन्न अगर आपको दी होगी वो एक के एक से छोटी है या एक के बराबर है, ये कैसे बताएंगे आप? सबसे सिंपल तरीका क्या होता है बच्चों, आप उस भिन्न को ना डिवाइड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? डिवाइड कर लीजिए, ठीक है? डिवाइड करेंगे तो आप कैसे पता लगेगा भाई? देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि हमारे पास भिन्न है 5/2, 5/2 है हमारे पास भिन्न, ठीक है? तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 आ गया, ये 2 आ गया, है ना? ऐसे डिवाइड करते हैं तो 2 × 4 1 बच गया। तो यहां पे हमारे पास कितना आया है? 2 आया है, 2 आया है ना, तो ये 1 से बड़ा है, ठीक है? 1 से बड़ा है तो ये तो बड़ी हो गई, मतलब 1 से तो बड़ी है ये। अब एक के बराबर कैसे पता लगेगा? ये तो हमेशा एक से बड़ी होगी। अगर मैं बोलूं कि भाई 5/5 है, ये 5/5 है, इसको डिवाइड करके देखिए आप, इसको अगर भाग करके देखेंगे तो क्या आएगा? 5 को 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 और ये 0 से इस बच गया, तो ये एक के बराबर आएगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जहां पे हमारा न्यूमरेटर बराबर होगा डिनोमिनेटर के, क्या बोला मैंने, जहां पे न्यूमरेटर बराबर होगा डिनोमिनेटर के, वो भिन्न आपकी क्या होगी? एक के बराबर होगी। कहीं भी आप देख लीजिए, जैसे 2/2 है, ठीक है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर सेम चीज होगी तो आपकी भिन्न बराबर आ जाएगी एक के। अब एक से छोटी किस केस में होगी? देखिए मैंने ये कौन सी भिन्न लिखी, इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न, ठीक है? जैसे 3/2, ये क्या है? विषम भिन्न है, जहां पे न्यूमरेटर बड़ा है, और जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न हमेशा एक से बड़ी होगी, लेकिन हमें चाहिए एक से छोटी। तो जो भी उचित भिन्न होगी, क्या, जो भी उचित भिन्न होगी वो एक से छोटी होगी, क्योंकि अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आपकी आएगी 0.1, 2 इस तरह से कुछ कुछ आ सकती है वो। आप बेशक से डिवाइड करके देख लीजिए। अभी हम इसको एक बारी भाग करके देखते हैं, किसको, उचित भिन्न को। तो उचित भिन्न में यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ एक बारी। अगर आप उचित भिन्न लिखेंगे 3/7, ये क्या है? उचित भिन्न है, इसको भाग करके देखिए, ठीक है? 3 अंदर आएगा, 7 बाहर आएगा, तो कैसे करेंगे आप इसको डिवाइड? 3 × 0, 7 × 0, 0 3 बच गया, डेसिमल के बाद आप 0 उतार लेंगे, 7 × 4 = 28, तो 0.4 आया, है ना, 0.4 आया, और आगे भी ये कंटिन्यू होता जाएगा। मतलब 0. कुछ आया, तो ये एक से तो छोटा होगा, है ना? तो एक से छोटी कौन सी भिन्न होती हैं? जो उचित भिन्न होती हैं वो एक से छोटी होती हैं। ये आपको समझ में आ गया? तो यही यहाँ पे यही पूछा गया था कि भिन्न दी हुई है, आप देखकर कैसे बता सकते हैं कि यह भिन्न एक से छोटी है? तो ये देख के ये तो बता सकते हैं कि यह उचित भिन्न है या नहीं। तो जो उचित भिन्न होगी वो एक से छोटी होगी हमेशा, इस चीज का ध्यान रखना। और एक के बराबर कौन सी भिन्न होगी? जिसमें अंश और हर दोनों एक दूसरे के बराबर हों, वो होगी एक के बराबर। तो एक से बड़ी कौन सी होगी भाई? जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है, वो एक से बड़ी होगी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। वैसे आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये आपको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में आप पूछ लीजिए,
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ संकेत दिए हुए हैं। अब क्या आपको इन संकेतों का मतलब पता है? ये क्या होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, और ये क्या होता है? इसका तो सबको पता है कि इक्वल टू होता है, बराबर होता है। मतलब अगर कोई दो नंबर बराबर हैं, जैसे कि 3 और 3, ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये होता है बच्चों स्मॉलर देन का, मतलब मैं यहाँ पे अगर 3 लिखूंगा तो 3 छोटा है किससे, 5 से। तो हम इसको इस तरह से दर्शाते हैं कि भाई जिसका ये मुंह खुला होता है, जिस तरफ हम ये खुला वाला मुंह लगाते हैं इसका, वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, और जिस तरफ ये एरो बनता है बंद मुंह लगाते हैं, वो नंबर छोटा होगा। तो यानी ये स्मॉलर देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है, है ना। 5 is greater than 3 और 3 is smaller than 5। तो ये चिन्ह है जिनका आपको पता होना चाहिए। अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई आपको देख के बताना है कि ये जैसे 1/2 एक से छोटा है, एक के बराबर है, एक से बड़ा है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में अभी पता लगाया है कि भाई कैसे पता लगाएंगे हम कि कोई भी भिन्न एक से बड़ी है, एक के बराबर है, एक से छोटी है। तो ये हम पता लगाते हैं कैसे, ये उचित भिन्न है या नहीं है ये देख के। तो बताइए क्या 1/2 उचित भिन्न है? बिल्कुल 1/2 उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है। तो उचित भिन्न के केस में क्या होगा, एक से छोटी होगी भिन्न, एक से छोटी होगी, तो साइन कौन सा आएगा, स्मॉलर देन का आएगा, ये वाला साइन आप लगा देंगे। इसी तरह सारे क्वेश्चंस आप करिए और सॉल्व करके मुझे बताइए कौन से पार्ट का क्या आंसर आएगा। अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे 3/5 भी क्या है, उचित भिन्न है, तो ये भी एक से छोटी होगी। 7/8 क्या है, 7/8 भी उचित भिन्न है, मतलब 7/8 भी एक से छोटी होगी, मतलब एक बड़ा होगा 7/8 से। 4/4 क्या होगी, मैंने बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहां पे बराबर हो गए वो भिन्न क्या होगी, एक के बराबर होगी, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट भी देख लीजिए, 2005/2005 ये भी एक के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है। अब ये आ गया 0/6, ये चीज हमेशा याद रखना कि 0 को अगर किसी नंबर से आप भाग कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को किसी नंबर से भाग करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा उसका आंसर। तो आप सीधा लिख देंगे कि ये 0/6 एक से छोटा होगा। ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं, इनको नोट डाउन कर लो आप। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो हमने मेथड्स किए हैं, तरीके किए हैं, क्या क्या किए हैं, एक बारी रिकैप कर लेते हैं हम। तो आज हमने उसको उचित भिन्न सीखी, उचित भिन्न क्या होते हैं एक बारी रिवाइज किया था, और हमने जो विषम भिन्न है उसको कन्वर्ट करना सीखा किसमें, मिश्रित भिन्न में, और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करना सीखा उसको। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं आपके लिए कि भाई इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अच्छे से इनको आप रिवाइज करना, नोट्स बनाना, और कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछना अगली क्लास में। उसके बाद जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।